Hey guys, good morning and welcome back to my channel. तो मैं उठ गया हूँ सुबह और आज देखो क्या खा रहा हूँ मैं. मेरी फेवरेट चीज़ है, आपको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी, ये देखो दही जलेबी. जलेबी मैं दही के साथ खाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है. जलेबी तो भाई सबको ही पसंद होगी. फिलहाल अभी सो खाते हैं और बैठ के. मैंने जो वाराणसी के दो ब्लॉग एडिट किए ना भाई, हालत ख़राब हो गई क्योंकि वो 28 मिनट का था. उसको पूरा कट कर करके फिर एक्सपोर्ट करने में भी ज़्यादा टाइम लगता है जितनी बड़ी वीडियो. तो फाइनली मुझे लग रहा है 2 से 3 घंटा मुझे लग गया और दोनों ब्लॉग एडिट कर दिए. देख ही लोगा आप सबने से पहले. अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अभी मैं शॉर्ट्स वगैरह अपलोड कर दूँगा. मुझे लग रहा है 6-7 या 5-6 ऐसे कुछ शॉर्ट्स हैं, या शॉर्ट्स मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा बना रखे उसने रील के लिए. रील तो फिलहाल अभी मैं डालता हूँ नहीं, मैं शॉर्ट्स पर ही डाल रहा हूँ. तो शॉर्ट्स डालूँगा तो उसके लिए भी अभी एडिट करना है भाई, बहुत एडिट करना है. फिलहाल पहले ये खा लेते हैं. ओके गाइस, अभी शाम हो चुकी है. मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए. फ़ोन और ईयरफोन दोनों चार्ज पे लगाते हैं और फिर शाम को चल देंगे इको गार्डन बैठने के लिए. अभी फिलहाल अब फ्री हूँ तो टाइम पास करने के लिए यही कर ले रहा हूँ. और अभी मैं सोच रहा हूँ जिम स्टार्ट कर दूँ. सुबह ही सुबह मैं जाता हूँ लेकिन बारिश हो रही है सुबह, तो आई थोड़ी बारिश आरिश कम हो जाए तो जिम भी ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन क्या मतलब, दोबारा से जाना चालू करूँगा क्योंकि पहले तो मैं उठ नहीं पाता सुबह और जब मैं उठता हूँ तो उस टाइम बारिश हो रही होती है. तो फिलहाल अभी यही चल रहा है, इसलिए जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ मैं. फिलहाल मैं ट्राई करूँगा कि जिम जाऊँ, हो सके तो कल ही से जाऊँ. बारिश नहीं हुई और उठ गया तो चल देंगे. फिलहाल अभी जाऊँ छत पर. ओके गाइस, तो छत से क्रिकेट खेल के आ गया हूँ और आते ही मैंने देखा विशाल की मिस कॉल पड़ी थी. कॉल करके मैंने बात करी है सौरभ और विशाल ही को गार्डन पर मिलेंगे. तो अभी फटाफट से चलता हूँ, थोड़ी देर बाद ही 7:30 बजे ही मिलना है. 10 मिनट लग जाएगा पैदल पैदल जाने में, तो ये फटाफट से चलता है. आजकल का पूरा यही रूटीन बन गया है मेरा. अब मुझे इसको जल्दी से जल्दी चेंज करना पड़ेगा भाई, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि सुबह उठूँगा तो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए. ओके गाइस, तो निकल गया हूँ मैं घर से, बस इको गार्डन पहुँचने वाला हूँ. थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, 5 मिनट में सौरभ और विशाल भी आते ही होंगे. आज फिलहाल आज बारिश नहीं होगी क्योंकि आज इतने बादल नहीं है, आज भीगूंगा नहीं मैं. आराम से बैठते हैं, 1-1.5 घंटा बातें आते करते हैं, माइंड फ्रेश होगा, थोड़ा अच्छा लगेगा. मोमोज खाने आए हैं, वो दुकान ही नहीं है जहाँ से खाता है, फिलहाल यहाँ पे खाता है. हम चाय पीने जा रहे हैं, मोमोज खा लिया. अब देखो कहता बच्चा बन गया. अबे रियल साइकिल है भाई, चैन एंड सब चल ही रही है. अरे एक्सीडेंट हो जाएगा अभी. ना तो पहली बार आया ना. राइस चाय आ गई अपनी. ना क्या चल पी रहे. ओके गाइस, तो चाय वाय पी ली है, थोड़ी देर बातें आते कर ली भाई. या तो 9 बजे घर चला जाता है, 9:30 बज चुके हैं. अभी चलते हैं घर पे. और अभी घर ही पे हूँ ना तो फ्रेंड लोग के साथ रहो, बातें आते करो तो अच्छा लगता है. अभी फ़िलहाल चलते हैं घर पे और अपना रूटीन तो देखो सही करने का पूरा ट्राई करूँगा मैं. और हम लोग का मंडे का प्लान है, हम लोग जाएँगे मंदिर सुबह सुबह, मनकानेश्वर, जो आप लोग को दिखाया था मैंने ब्लॉग में. अरे भैया कुत्ता भौंकरा, सॉरी भैया सॉरी. फिलहाल अभी घर पे चलने बात करते हैं क्योंकि अभी मेरी आवाज़ नहीं आ रही हुई. कुत्ता भौंकरा भाई, जो देखा एम्बुलेंस आई गली में, किसी की डेथ हुई है पता नहीं किसके. ओके गाइस, तो मैं जैसे ही घर आया मैंने देखा भाई मोहल्ले में एम्बुलेंस आ रखी है, रोने की आवाज़ आ रही है जोर जोर से. अब मुझे नहीं पता किसी की डेथ हुई है या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है. अब पता नहीं, अगर तबीयत ख़राब है तो होपफुली ठीक हो जाए वो जल्दी से. अभी फिलहाल मैं खाना खाने जा रहा हूँ. और ये देख सकते हो ये काली मसूर मिक्स दाल है, चावल रोटी, इसको खाऊंगा मैं. और फिर जितने भी शॉर्ट्स थे ना मेरे पास वाराणसी वाले जो सौरभ ने दिए थे, वो सारे एडिट करके मैं अपलोड कर दूंगा. शॉर्ट पे वैसे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है लेकिन काफ़ी सारे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. फिलहाल खाना खाता हूँ और फिर मिलते हैं. ओके गाइस, इसके साथ मैं वॉक वॉइंग करता हूँ. अभी बस शॉर्ट्स वगैरह एडिट करने हैं और यार ब्लॉग एडिट करना है. और फोन पे भी वार्निंग दे रहा है कि कल बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है. तो अभी तो जिम का कोई सीन नहीं है भाई, उठ नहीं पा रहा हूँ. और अगर उठ भी गया तो बारिश होगी, अभी कोई मतलब नहीं है. अभी 1-2 हफ्ता जिम जाने का कोई फ़ायदा नहीं है. फिलहाल अभी देखते हैं, बारिश अगर नहीं हुई और अगर मैं सुबह तक उठा रहा तो शायद कहीं चलूँ, देखा जाएगा. वो सब अगले ब्लॉग में देख लेना. इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ. लाइक कर देना, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर देना. अगर ब्लॉग को यहाँ तक देख लिया तो लाइक तो बनता ही है. मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.